जो बचे हैं संग समेट लो के सारे एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ कहानी सुनते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शाम ढल चुकी थी जब वो दोनों सारा दिन घूम फिर कर उसके फ्लैट में लौटे थे। मैंने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की है, तुम चाहो तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं पैकिंग कर लूँ। वापस आने के बाद वो उससे बोला था, ठीक है तुम पैकिंग करो, मैं हम दोनों के लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। बाहर घूमने फिरने में वो दोनों वक्तन फवक्तन इतना कुछ खा चुके थे कि अब उन दोनों में से किसी का भी डिनर का इरादा नहीं था। वापस आते ही लीज़ा ने शॉपिंग बैग में से दोनों मग और चाबी निकाली थी। उसने खुद ही वो चाबी उसकी बेड साइड टेबल पर सजा दी थी। वो उसे देखकर हंसा था। थोड़ी देर के बाद वो कॉफ़ी लेकर कमरे में आई तो कॉफ़ी उन्हीं मगों में थी जिस पर मिस्टर एंड मिसेस सिकंदर लिखा हुआ था। उसने बेड पर सूटकेस रखा हुआ था, वो उसमें एक कपड़े रख रहा था। उसने कराची में होटल में रूम की बुकिंग भी यहीं से करवा ली थी। लीज़ा का उसे पता था कि वो अपने पापा के घर पर ठहरेगी। सैम आएगी मुझे एयरपोर्ट लेने। यहाँ आते हुए मैंने उसे फ़ोन करके अपनी फ़्लाइट और कराची पहुँचने का वक्त बता दिया था। वो बेड के सामने रखे सोफे पर बैठ गई। कॉफ़ी पीने के लिए उसने भी थोड़ी देर के लिए पैकिंग का काम रोक दिया था। वो लीज़ा के चेहरे को देख रहा था जो अपनी बहन के जिक्र पर जगमगा उठा था। वो बेड पर बैठा हुआ था, उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। ये उसकी अम्मो जान की कॉल थी। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। उसे माँ से मिलने की बहुत खुशी थी मगर साथ ही साथ दुख और जिल्लत भरे कुछ एहसासात भी थे। वो माँ के गले लगना चाहता था। एक माँ ही थी जिसने उसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा था। उनका दिल अपने गुनाहगार बेटे के लिए वसी था। वो बेटे का गुनाह कब का माफ़ कर चुकी थी। वो उसकी बदनसीबी थी कि पूरी दुनिया में कोई एक फ़र्द भी ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि सिकंदर ने वो गुनाह नहीं किया था। उसे भरोसा और एतमाद के पास भी न मिल सका था, मगर ये क्या कम था कि वो उससे मोहब्बत करती थी, उसे दिलो जान से चाहती थी, उसके इंतज़ार में दिन गिन गिन कर गुजार रही थी, वो उसकी वापसी की राह तक रही थी। कल किस वक्त पहुंच रहे हो बेटा? सुबह सवेरे इंशाल्लाह। किस फ्लाइट से आ रहे हो? उनके लहजे में उससे मिलने की तड़प थी, बेकरारी थी। वो उनकी बेकरारी को महसूस कर रहा था। उसने उन्हें अपनी फ़्लाइट और कराची पहुंचने का वक्त बता दिया था। ये चंद घंटे कैसे गुजरेंगे सिकंदर? मुझे तो एक एक पल सदियों के बराबर लग रहा है। तुम थोड़े दिन कराची में रुकोगे तो ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल आए और परसों वापसी? वो बहुत बेचैन होकर बोली थी, जैसे बरसों से बिछड़े बेटे को देखने, उसे छूने, उसे प्यार करने उसकी माता बुरी तरह तड़प रही हो। जी अम्मा जान, मैं थोड़े दिन रुकूंगा कराची में, आप फिक्र ना करें। उसने तशक्कुर भरी निगाहों से अपने सामने बैठी लीज़ा को देखा था। लीज़ा के कहने पर उसने एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाया था, वरना शायद उस वक्त उन्हें ये बताकर कि वो महज दो या तीन दिनों के लिए आ रहा है, वो माँ के दुखे हुए दिल को मज़ीद दुखाने का बास बनता। लीज़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तुम मुझसे बहुत सारी देर के लिए मिलोगे ना सिकंदर? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है बेटा, तुम्हें जी भर कर देखना है। उनकी आवाज़ रंध गई थी। वो बोलते बोलते एकदम ही चुप हुई थी, जैसे खुद को रोने से रोक रही हूँ। मैं आपसे बहुत सारी देर के लिए मिलूँगा अम्मो जान, जब तक कराची में रहूँगा हम रोज़ मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। वो माँ का कर्ब महसूस करते हुए इंसानियत से बोला था। कराची से वापस आकर हम फौरन शादी कर लेंगे, मैं अब तुम्हें लंदन या रोम वापस नहीं जाने दूँगा। वो दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए फ्लैट से निकल रहे थे तब वो लीज़ा का हाथ थाम कर बोला। उसकी आंखों में जज्बात की शिद्दत थी। देखा मेरी मोहब्बत का असर, तुम भी रोमांटिक होते जा रहे हो। वो हंस कर बोली, तुम्हारे जैसा रोमांटिक मैं अभी भी नहीं हूँ। यानी मैं ये समझूं कि तुम हमारी शादी वाले दिन ऑफिस जाओगे और मुझे हनीमून पर नहीं लेकर जाओगे? उसने मसनूई नाराज़गी से उसे घूरा। हो सकता है ऐसा भी हो, वो लापरवाही से शाने अचका कर बोला। करके तो देखो, तुम ऐसा हशर कर दूंगी मैं तुम्हारा।
होने वाले शौहर का की क्या रिस्पेक्ट की जा रही है, सुभान अल्लाह। उसकी धमकी पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। उसे नींद नहीं आ रही थी, तमाम दिन उससे उस मौजू पर किसी ने बात नहीं की थी, फिर भी वो जानता था कल सुबह सिकंदर अम्मूजान से मिलने कराची जा आ रहा है। उसने आज शहरयार ख़ान को नवीरा से गुफ्तगू करते सुना था, जो वो कल सिकंदर और उसके होने वाली बीवी की फार्म हाउस पर दावत के इंतजाम के हवाले से बात कर रहे थे। शहरयार ख़ान को अम्मूजान की बीमारी ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया था कि वो उनका दिल खुश करने के लिए सिकंदर की शक्ल देखने को राज़ी हो गए थे। जो भी हो, कम अज़ कम वो सिकंदर की शक्ल नहीं देखना चाहता था। उसे अपनी बीवी और बच्चों के भी वहाँ जाने पर बड़ा एतराज़ था, मगर आज भी उनके घर में हुक्म शहरयार ख़ान का ही चलता था। अगर वो उसके हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर अपनी बीवी और बच्चों को रोक लेता तो यकीनन शहरयार ख़ान सख्त गुस्से और बरहमी का इजहार करते, और अम्मो जान जो बरसों बाद इतनी खुश नज़र आ रही थी, उनकी खुशी दुख और आंसुओं में बदल जाती। लिहाजा नवीरा और अली के कल शहरयार ख़ान और अम्मो जान के साथ फार्म हाउस जाने पर उसने खामोशी और बेनियाजी वाला रवैया अख्तियार कर रखा। बहुत कड़वी सच्चाई थी ये, मगर थी तो सच्चाई ही ना, उसे माननी पड़ रही थी। उसने पूरे 12 साल बाद अपने अम्मूजान को इतना खुश देखा था, इतना खुश वो उसके हार्वर्ड से लॉ पास कर लेने पर भी नहीं हुई थी, उसकी शादी पर भी नहीं हुई थी, अली की पैदाइश पर भी नहीं हुई थी। जिस शख्स के सबब ये खुशी थी, उससे उसे जितनी भी नफरत थी, मगर अपनी माँ की हंसी और उनकी खुशी और उसे अपनी जान से बढ़कर अजीज थी। वो माँ के दिल की ये खुशी और चेहरे की ये हंसी सदा कायम रखना चाहता था। अपनी बीवी और बच्चे को माँ बाप की खातिर सिकंदर और उसके होने वाली बीवी से मिलने दे सके, इतनी वसात वो कोशिश करके अपने अंदर पैदा कर चुका था। सिकंदर को नफ़रत से सोचते हुए आज फिर उसे उम्मे मरियम की बुरी तरह याद आ रही थी। कहाँ होगी वो? सिकंदर शहरयार सिर्फ उसका नहीं, वो उम्मे मरियम का भी मुजरिम था। उसके तसव्वुर में बार बार 12 साल पहले का वो दिन आ रहा था जब उम्मे मरियम उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई थी, जिसके सबब वो उससे जुदा हुई वो शख्स आने वाला है आज सुबह। वो दोनों जहाज़ में साथ बैठे थे। जहाज़ में बैठे ही सिकंदर बिल्कुल गुमसुम और चुपचाप सा हो गया था। वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, वो जानती थी सिकंदर इस वक्त अम्मूजान को सोच रहा है। वो आज परसों बाद उनसे मिलने वाला है, उसके दिल की अजीब हालत होगी। 4 साल कबल वो उनकी शदीद बीमारी में उनसे मिला था, आज वो न जाने कितने सारे एहसास एक साथ अपने दिल में पैदा होते महसूस कर रहा होगा। उसे अपना तुल्ख और गम से भरा माजी में भी शिद्दत से याद आ रहा होगा। सिकंदर को शायद इस वक्त खामोशी दरकार थी, सो उसे खामोश फराहम करके वो ख़ुद को सैम को सोचने लगी थी। सैम उससे खफा थी, उसने रोम से दोहा रवाना होने से कबल उसे कॉल करके अपने कराची आमद का टाइम बताया था। उसने ठीक से बात नहीं की थी, फ़ोन भी फौरन ही बंद कर दिया था। महमूद खालिद ने यह जानने के लिए कि वो कब और किस फ़्लाइट से कराची पहुंच रही है फ़ोन किया, तो उसने टाइम नहीं बताया था। कह दिया था कि अभी उसने सीट बुक नहीं करवाई है। ख्वाहिश थी उसे एयरपोर्ट पर लेने सिर्फ और सिर्फ सैम आए। सैम से एयरपोर्ट पर मिलकर वो फिर महमूद खालिद के घर चली जाएगी। उस रोज़ फ़ोन पर वो महमूद खालिद की जज्बाती बातों के हिसार में आ गई थी। बाद में रोम जाकर जब उसने सोचा तो उसे लगा सैम ठीक कहती है, उनके पापा को उन बहनों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने आते हैं। उसे जज्बाती अंदाज में बातें करके उसे उस बात के लिए आमादा करवा लिया कि वो कराची आकर उनके पास ठहरे। वो उनके घर पर ठहरेगी ज़रूर, मगर अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले में उन्हें आज भी एक लफ्ज़ कहने नहीं देगी। वो बेड पर लेटी हुई थी, सारी रात एक पल के लिए भी उन्होंने पलकें नहीं झपकाई। उस वक्त सिकंदर हवाई जहाज़ में होगा, उसके साथ लीज़ा भी होगी। उन्होंने ज़ेर लब बहुत प्यार से इनाम लिया था। वक्त काटे नहीं कट रहा था। बेकरार होकर वो उठकर बैठी, फजर में अभी वक्त था, सोचा तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली जाए। वो बग़ैर कोई आहट कोई शोर पैदा किए एक बेड से खामोशी से खड़ी हो रही थी। क्या हुआ आमना, नींद नहीं आ रही? शरिया खान की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी, वो भी जाग रहे थे। जी, वो उनसे ये नहीं कह सकी कि रोज़ गम उन्हें सोने नहीं देता, आज खुशी में उन्हें नींद नहीं आ रही। आज उनकी ईद का दिन था, उन माँ बेटे ने जो बनबास काटा था आज उसके ख़त्म होने का दिन था। मुख्तसर सा जी कहकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगी थी। शहरयार ख़ान जब आवाज़ उन्हें रोक लिया, सिकंदर उस वक्त किस वक्त पहुंच रहा है?
पौन घंटा बाकी है, वो उनकी तरफ देखकर आहिस्तगी से बोली, क्या एयरपोर्ट जाना चाहती हो उससे मिलने? आमना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, वो हैरत से शहरयार खान को देख रही थी। जी क्या मैं चली जाऊँ? उन्होंने मोहतात से लहजे में अपनी खुशी छुपाए हुए पूछा। हाँ चली जाओ, मगर इतनी सुबह सवेरे तुम्हारा ड्राइवर के साथ जाना मुनासिब नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, शहरयार खान संजीदगी से बोलते हुए उठकर बैठ गए थे। वो बेतहाशा हैरान हुई थी। ठीक 15 मिनट के बाद वो और शहरयार खान एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकल चुके थे। शहरयार खान गाड़ी चला रहे थे। सड़कों पर उस वक्त ट्रैफिक होने के ना होने के बराबर थी, इसलिए वो दोनों एयरपोर्ट जल्दी पहुँच गए थे। सिकंदर से आज शाम 5:30 बजे फार्म हाउस आने का कह देना। एयरपोर्ट पहुंचकर वो उनसे बोले, जी आप भी आ रहे हैं क्या? आमना ने हिचकिचाते हुए पूछा। शहरयार खान ने गाड़ी पार्किंग में ले जाकर रोकी। नहीं तुम मिलाओ, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी रोशनी नहीं हुई थी, इर्द गिर्द अंधेरे की सबब वो शहरयार खान के तासुरात ठीक से नहीं देख पा रही थी। वो संजीदा तो थे, मगर संजीदगी के साथ कुछ और भी था उनके लहजे में, वो समझ नहीं पाई थी। सर हिलाकर खुशी से सरशार वो गाड़ी से उतर गई। सामने ही इंटरनेशनल अराइवल नज़र आ रहा था, बस किसी भी लम्हे उसका सिकंदर उनकी निगाहों के सामने होगा। वो दिल ही दिल में मुसलसल दुआएँ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे खैरियत से मेरे सिकंदर से मिला दे। सामने से मुसाफिर ट्रॉलियाँ चलाते बाहर निकलते नज़र आ रहे थे। वो जो सामने से उसकी तरफ आता नज़र आ रहा था वो उनका सिकंदर ही है, खूबसूरत वजीह और भरपूर उनका बेटा। उनका दिल फख्र और खुशी से भर गया। उन्होंने दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। नज़र की दुआ पढ़कर दूर से उस पर दम की, उनकी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। उसके साथ चलती लड़की को उन्होंने अभी तक तवज्जो से नहीं देखा था। उनका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, खुशी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। सिकंदर उनकी नज़रों के सामने है, उनका बेटा उनसे मिलने उसके पास आ चुका है। एक पल उन्हें खुशी संभालने में लगा था, अगले पल वो दीवानावार उसकी तरफ बढ़ी थी। सिकंदर ने अम्मूजान को देख लिया था, उसे हैरत हुई। उसने उन्हें आंखों में खुशी के आंसू लिए वालहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखा। वो ट्रॉली लीज़ा के पास छोड़कर खुद तेज़ कदम उठाकर उनकी उन तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम अम्मूजान। आमना ने बहुत तड़प कर उसे अपने गले से लगा लिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दिया। वो उसे गले से लगा कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, उसके गले लगे उसका वजूद हौले हौले लरस रहा था। उनका मजबूत और तवाना बेटा अपनी बीमारी और गम से निढाल माँ को सहारा दिए खड़ा था। उसने लीज़ा का अपने और अम्मूजान के पास आकर खड़ा होना महसूस किया था। बस अम्मूजान इस तरह मत रोएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसने प्यार से उनका सर अपने कंधे पर से हटाया। माँ के आंसुओं से उसका शाना भीग चुका था, वो उनके आंसू अपने हाथों से साफ कर रहा था। मैं आ तो गया हूँ आपके पास, अब आप क्यों रो रही हैं? उसने प्यार से माँ के हाथ थाम कर कहा। ये खुशी के आंसू हैं बेटा, ये शुक्रगुजारी के आंसू हैं। आमना ने वालहाना अंदाज में उसका माथा चूमा। वो टिकटिकी बांधे उसके चेहरे को देखे जा रही थी, उनकी निगाहें उस पर से हट नहीं रही थी। अम्मूजान आप लीज़ा से तो नहीं मिली? उसने मुस्कुराकर अपने साथ खड़ी लीज़ा की जानिब इशारा किया। आमना ने अब पहली बार लीज़ा को तवज्जो से देखा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, लीज़ा ने फौरन उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम, जीती रहो। लीज़ा का सलाम अगर हिचकिचाहट और तकल्लुफ़ लिए हुए था तो आमना का जवाब इतनी ही बेतकल्लुफ़ी और वालहाना प्यार लिए हुए था। उन्होंने लीज़ा को भी उसी तरह गले लगाया था। वो खामोश खड़ा माँ को लीज़ा को गले लगाते और फिर उनका माथा चूमते देख रहा था। आंटी नहीं, माँ हूँ तुम्हारी, जैसे सिकंदर की माँ हूँ। मुझे अम्मो जान बोलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो देख रहा था, उसकी माँ लीज़ा के चेहरे को बहुत प्यार से देख रही थी। जी अम्मो जान। लीज़ा की हिचकिचाहट और तकल्लुफ़ आमना की वालहाना मोहब्बत के आगे मुस्कुराहट और अपनायत में चंद लम्हों में बदल गई थी। सिकंदर मेरी बहू बहुत प्यारी है, लीज़ा को देखते हुए उन्होंने उससे कहा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। लीज़ा की जगह कोई भी लड़की होती वो उसकी माँ को यूं ही अच्छी लगती कि वो उनके बेटे की पसंद होती। आप किसके साथ आई हैं अम्मूजान? उसे एकदम ही ख्याल आया। तुम्हारे पापा के साथ आई हूँ, वो गाड़ी में बैठे हैं। आमना आहिस्तगी से बोली। तुम्हारे पापा के अल्फाज
उसे बहुत अजीब से लग रहे थे, दरहकीकत उसे बुरे लगे थे, मगर बरसों बाद माँ से मिलने पर वो खुशी के मौके पर कोई बदमजगी वाली बात नहीं करना चाहता था। वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं अब चलूँ, उसके चेहरे को प्यार से तकते हुए वो बोली। उन्होंने फिर उसके हाथ थाम लिए थे, जाने की बात कर रही थी और उसके हाथ थाम कर खड़ी थी। जैसे डर था उसका हाथ छोड़ा तो वो फिर कहीं खो जाएगा। जी अम्मूजान, आप अब घर जाकर आराम कीजिए, थोड़ा दिन निकल आए फिर हम दोबारा मिलेंगे, कहीं साथ बैठकर खूब ढेर सारी बातें करेंगे। उसने देखा आमना इसकी उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी। एक पल की सोच के बाद उन्होंने सिकंदर को के बजाय लीज़ा को मुखातिब किया। लीज़ा बेटा, तुम्हारी और सिकंदर की आज शाम मेरी तरफ से दावत है हमारे फार्म हाउस पर। शहर की हदूद से बाहर ज़रा बाहर निकल कर है हमारा फार्म हाउस, इसलिए घर से थोड़ा जल्दी निकल जाना, ये वहाँ का एड्रेस है। उन्होंने पर्स से एक तह की हुई चिट्ठी निकाल कर लीज़ा के हाथ में पकड़ाई। अम्मूजान, दावत वगैरह को रहने दें, मैं और लीज़ा उसके बगैर ही आपसे मिल लेंगे। वो वाज़े और साफ लफ्ज़ों में मना नहीं कर पाया था। फार्म हाउस पर कौन दे रहा था दावत, वहाँ पर किस किस ने मौजूद होना था, वो सब जानता था, मगर वो न किसी से मिलना चाहता था और न किसी की शक्ल देखना चाहता था। मैं तुमसे नहीं, अपनी बहू से बात कर रही हूँ, आमना ने फौरन ही उसे सख्त अंदाज में डांट कर चुप करवा दिया था। अब उन्होंने उसके हाथ छोड़कर बहुत प्यार से लीज़ा के हाथ थामे थे। तुम्हारी सुनता है ये जी, लीज़ा एक नज़र उसके चेहरे को देखकर, जिस पर वाज़ा लफ्ज़ों में किसी भी दावत और फार्म हाउस पर जाने से इनकार लिखा था, आमना से कदरे हिचकिचा कर बोली। वो जैसे उलझन में आ गई थी कि माँ की सुने या बेटे की तरफ देखे। तो फिर आज शाम उसे साथ लेकर हमारे फार्म हाउस आ जाना, मैं तुम दोनों का शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। वो बड़ी उम्मीद से लीज़ा की तरफ़ देख रही थी। मैं और सिकंदर आज शाम आपके पास ज़रूर आएंगे अम्मूजान, लीज़ा ने बेअख्तियार उन्हें यकीन दिलाया। वादा कर रही हो ना? मैं आपसे वादा कर रही हूँ अम्मूजान, मुझे मायूस मत करना, बरसों बाद मुझे कोई खुशी मिली है, इस खुशी को मायूसी में मत बदलना, मैं बहुत शिद्दत से मुंतज़िर रहूँगी तुम दोनों की। अम्मूजान, हम दोनों आपके पास ज़रूर आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, लीज़ा पुर यकीन लहजे में मोहब्बत से बोली। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे वजूद से मेरे बेटे के घर को सदा सजाए रखे, तुम दोनों का दामन खुशियों से भर दे। वो एक बार फिर वालहाना अंदाज में लीज़ा को प्यार कर रही थी। आँखों में नमी लिए वो इल्तिजा करती नज़रों से सिकंदर को देखने लगी। उन्होंने बेअख्तियार उसे फिर गले से लगा लिया। उनकी पुरनम सी आँखें बेआवाज़ उससे मुखातिब थीं, न माँ एक लफ्ज़ बोली थी न जवाब में उसने कुछ कहा था, बस निगाहें निगाहों से मुखातिब थीं, अपना दर्द और कर्ब एक दूसरे को बता रही थी। मैं चलती हूँ, चंद सेकेंड बाद खुद पर काबू पाकर वो गुलोगीर लहजे में बोली। वो खामोश खड़ा रहा था, लीज़ा उन्हें खुदा हाफिज कह रही थी, वो वापस पलट गई थी, वो उसी तरह साकित था, लीज़ा उसके साथ खड़ी खामोशी से देख रही थी। आई एम सॉरी सिकंदर, मैं जानती हूँ तुम अम्मूजान की दावत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, मगर वो जिस तरह कह रही थी उन्हें इनकार करने के लिए पत्थर का दिल चाहिए था। वो बहुत दुखी हैं सिकंदर, उनका दिल खुश करने के लिए यहाँ तक आ गए हो तो अब वो जहाँ बुला रही हैं सिर्फ उनका दिल खुश करने के लिए वहाँ भी चलो। अगर हम नहीं गए तो उनका दिल बहुत दुखेगा, हम नहीं गए तो वो कितना रोएंगी, लीज़ा ने उससे आहिस्तगी और नरमी से कहा। वो फीके से अंदाज में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। हम शाम में चल रहे हैं ना, लीज़ा ने उम्मीद से उसे देखा। हाँ, वो एक थकी हुई लंबी सांस लेकर बोला। सैम नहीं आई तुम्हें लेने, तुमने कहा था वो तुम्हें लेने आ रही है, उसने एकदम ही मौजू तब्दील कर दिया। हाँ, पता नहीं क्यों अब तक उसे तो आ जाना चाहिए था, लीज़ा ने इर्द गिर्द हर तरफ निगाहें दौड़ाई थी। तुम फ़ोन कर लो, लीज़ा सर हाँ में हिलाकर फौरन ही अपनी बहन को फ़ोन मिलाने लगी थी। क्या हुआ? कई मर्तबा कोशिश करने के बाद भी जब लीज़ा का उससे रابطہ नहीं हो सका तब उसने पूछा। बेल जा रही है मगर सैम कॉल रिसीव नहीं कर रही, उसके लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल रिसीव नहीं हो रही। उसने देखा लीज़ा के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। हो सकता है उसकी आँख ना खुली हो, उसने लीज़ा को तसल्ली देनी चाहिए। मेरे आने पर उसकी आँख ना खुली हो? तुम्हें पता है सिकंदर, सैम मुझसे कितना प्यार करती है, मैं ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान आई हूँ, मेरा आना सैम के लिए इतना मामूली वाक़या नहीं हो सकता, वो सोती रह जाए, वो कदर खफकी से बोली।
लेकिन अब तुम इस तरह यहाँ खड़ी तो नहीं रह सकती ना। चलो मैं होटल जाते हुए पहले तुम्हें तुम्हारे पापा के घर ड्रॉप कर देता हूँ। वहाँ जाकर तुम पता कर लेना कि सैम तुम्हें लेने क्यों नहीं पहुँच सकी, सिकंदर आसानियत से बोला। लीज़ा ने जवाबन सर इस्पात में हिला दिया था। वो देख रहा था लीज़ा के चेहरे पर मायूसी सी फैल रही है। वो अपनी बहन के एयरपोर्ट ना आने पर दुखी हो गई थी। सिकंदर ने कैब कर ली थी, उसने पहले उसे उसके पापा के घर ड्रॉप किया, वो खुद अपने होटल चला गया। चौकीदार ने उसके लिए गेट खोला, वही उसे लॉन्च तक छोड़कर भी चला गया और उसी इंटरकॉम पर महमूद खालिद को उसकी आमद की इतला दी थी कि इतनी सुबह अभी वहाँ ना घर का कोई फ़र्द मौजूद था और ना ही कोई मुलाजिम। मेरी बेटी आई है, महमूद खालिद और उनके पीछे आयशा सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पास आ रहे थे। वो उन दोनों को आता देख कर खड़ी हो गई। बाप के घर आई थी मगर दिल में ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने बाप के घर आई है। महमूद खालिद के चेहरे पर वालहाना खुशी बिखरी हुई थी। उसके पास आते ही उन्होंने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अपने आने का, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता, उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा। वो जवाबन चुप रही थी। उसकी समझ में नहीं आया वो अपनी आमद का फ़ोन पर ना बताने की क्या वजह दे बताए। बाप की बेतहाशा खुशी उसे मसनूई नहीं लग रही थी, उसे उसकी आंखों में नमी नज़र आ रही थी। उसे हल्की सी नदामत हुई। खैर तुम आ गई कुलसुम, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। आज कितने सालों बाद मैं अपनी बेटी को देख रहा हूँ। उन्होंने जैसे उसकी नदामत महसूस कर ली थी इसलिए फ़ौरन ही मुस्कुरा कर खुशी से भरपूर अंदाज में बोले। आयशा मुस्कुराते हुए इन दोनों को देख रही थी। आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है महमूद बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, कल रात भी देर तक मुझसे तुम्हारी ही बातें करते रहे। सुबह सुबह अचानक पहुँचकर तुमने हमें बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया है। उसके दिल में जागा नदामत का एहसास महमूद खालिद और आयशा दोनों ने फौरन ही दूर कर दिया था। आयशा नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करो, मैं कुलसूम को उसका कमरा दिखा दूँ, महमूद खालिद का उसका हाथ थाम कर बोले। आयशा ने मुस्कुरा कर सर इस्पात में हिलाया। आओ बेटा। उन्होंने उसका हाथ थामा और उसे साथ लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तुम्हारा सामान भी अभी कमरे में रखवा दूंगा, वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उससे बोले। फ़ोन पर बात करते हुए जज्बात को सर्द कर लेना, सर्द सपाट अंदाज़ अख्तियार कर लेना मुख्तलिफ बात थी। आमने सामने उनकी वालेहाना चाहत के इजहार के सामने वो समझ नहीं पा रही थी कि अपना सर्द अंदाज़ किस तरह बरकरार रखे। जब मैंने ये घर ख़रीदा था तभी ये कमरा तुम्हारे लिए मुंतखब करके उसे तुम्हारे लिए सजा लिया था। मैंने सोचा था मेरी आर्टिस्ट बेटी के लिए यही कमरा होना चाहिए। ये देखो यहाँ खिड़की से बाहर हमारे लॉन का कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। उससे बोलते हुए उन्होंने खिड़की पर से पर्दा हटाकर खिड़की खोल दी। खिड़कियाँ खुलते ही लॉन का सरसब्ज और खूबसूरत मंजर निगाहों के सामने था। लॉन में लगे खूबसूरत फूल पौधे दरख्त घास और सबसे बढ़कर लॉन के बीचों बीच बने फव्वारे से गिरता पानी बहुत खूबसूरत मंजर था। मगर वो उस मंजर को नहीं, वो अपने बाप को देख रही थी। खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ से लॉन का व्यू, महमूद खालिद ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जी, बाप से बातें करने की उसे आदत नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था उनसे क्या कहे। एक चीज़ और भी है तुम्हारे लिए, दिखाऊं? वो मुस्कुरा कर बोले, अंदाज में बच्चों की जैसी खुशी थी। जी पापा दिखाइए। तुम अभी थकी हारी पहुंची हो, सोच रही हूँ रही होगी पापा भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, मगर मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें तुम्हारे कमरे के साथ साथ तुम्हारा स्टूडियो भी दिखाऊं। वो उसका हाथ थाम कर खिड़की के पास से हटे थे और उसके कमरे की दाईं दीवार में एक खूबसूरत दरवाज़ा था। महमूद खालिद ने उस दरवाज़े को खोला और उसका हाथ थामे अंदर दाखिल हुए। अब वो जिस कमरे में थे वो उसके बेडरूम से भी कुछ बड़ा कमरा था। उसका फर्श लकड़ी से बना हुआ था, वहाँ मेज़ भी थी, सोफे भी थे, रॉकिंग चेयर भी थी, बुकशेल्फ भी था, मुख्तलिफ तरह के एजल भी थे, रंग भी थे, पेंटिंग बनाने से मुतालिक अशिया मेज़ पर सलीके से रखी हुई थी, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स आवेज़ा थी, बुकशेल्फ में मसवरी और आर्ट से मुतालिक कीमती किताबों का कलेक्शन भी था। यहाँ का इंटीरियर मैंने एक आर्किटेक्ट से करवाया था, मुझे खुद तो पेंटिंग की ABC भी नहीं आती, मुझे तो पता भी नहीं था आर्टिस्ट लोगों के स्टूडियोज़ कैसे होते हैं। अब जब तुम
जब तक तुम यहाँ हो पेंटिंग करने का दिल चाहे तो यहीं आकर काम करना। उनके चेहरे पर यह ख्वाहिश मौजूद थी कि वो उसे यहाँ पर काम करता हुआ देखना चाहते हैं। उनके उसके आर्टिस्ट बनने की सबसे ज़्यादा मुखालफत करने के बाद उसके आर्टिस्ट होने पर इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उसे कुछ ना कुछ तो कहना था, वो चुपचाप तो खड़ी नहीं रह सकती थी। बहुत खूबसूरत स्टूडियो हो। थैंक्स पापा, तुम्हें पसंद आ गया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। 5 साल से मैं मुंतज़र था कि तुम आओ और अपना ये स्टूडियो देखो। उनका अंदाज़ उसे शर्मिंदा करने वाला या ये जताने वाला हरगिज़ नहीं था कि वो बाप से ज़िद्द बांध कर उनके लाग बुलाने पर भी पिछले 5 सालों में कभी एक बार भी उनसे नहीं मिली थी। वो बस जैसे उसे एक बात बता रहे थे। शर्मिंदा वो खुद ही हो रही थी। उसे शर्मिंदगी क्यों हो रही थी? मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ कुलसुम, अब शादी के बाद भी मेरे पास कराची आती जाती रहना। तुम्हारी तो होने वाली ससुराल भी कराची ही है ना, वो मोहब्बत भरे अंदाज में उससे बोले थे। वो जवाबन सिवाय सर इस बात में हिलाने के और कुछ भी नहीं कर सकी थी। तुम मुझे सिकंदर से कब मिलवा रही हो? कमरा और स्टूडियो देखने के बाद वो शावर लेने चली गई थी। नहा कर फ्रेश होने के बाद नीचे आई तो नाश्ते की मेज़ पर महमूद खालिद और आयशा उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सिकंदर का नाम याद रखे जाने और उसका नाम इतनी मोहब्बत से लिए जाने पर हैरान हुई थी। वो सिकंदर को बाप से मिलवाने पाकिस्तान नहीं आई थी, वो सिकंदर की माँ से मिलने पाकिस्तान आई थी। उसकी जहन में बहुत सारी सोचें आ रही थीं। वो सिकंदर से मोहब्बत में नहीं मिलना चाहते, वो उसकी और सिकंदर की शादी रुकवाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। सैम के साथ भी तो उन्होंने यही किया था। वो ये मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा है, मगर दिखावा है तो इतनी सच्ची क्यों महसूस हो रही है? आज शाम मुझे उसके पेरेंट्स से मिलने जाना है, वो मुझे पिक करने आएगा। मैं उससे कहूँगी वो थोड़ा जल्दी आ जाए, फिर आप उससे मिल लीजिएगा। उसके जहन में जो भी सोचें आ रही थी, मगर वो लाख कोशिश के बावजूद भी बाप को कोई तल्ख जवाब नहीं दे पाई। मैं तुम्हारी शादी के फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे यकीन है तुमने एक अच्छे लड़के का इंतखाब किया होगा, वो उससे प्यार से बोले। आयशा उन दोनों के आगे चाय रख रही थी। महमूद बहुत खुश हैं तुम्हारी शादी का सुनकर, बल्कि हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि सिकंदर की फैमिली भी अगर कराची में ही है तो फिर तुम दोनों यहीं पर ही शादी कर लो ना, आयशा उससे बोली थी। ये मुमकिन नहीं है, सिकंदर के अपने फैमिली के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, कुछ इख्तलाफात हैं उसके अपने वालिद और भाई के साथ, वो यहाँ सिर्फ अपनी वालदा से मिलने आया है, वो जवाबन संजीदगी से बोली। चलो कोई बात नहीं, तुम बस मुझे सिकंदर से मिलवा दो और तुम्हारी शादी जहाँ पर भी होगी मैं और आयशा ज़रूर वहाँ ज़रूर आएँगे। मेरी बेटी बाप के होते हुए बाप की दुआओं के बग़ैर तो रुख्सत में हरगिज़ नहीं हो सकती। उसकी संजीदगी और दो टोक से अंदाज के जवाब में महमूद खालिद और नरमी से बोले थे। पहुंच गई तुम? नाश्ते के बाद कमरे में आकर उसने सैम का मोबाइल नंबर मिलाया था। इस बार उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। वो तुल्ख से लहजे में उससे बोली थी, तुम मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आई सैम? वो जानती थी उसकी सिकंदर से शादी और पाकिस्तान आने के बाद की बात पर सैम उससे नाराज़ हो गई थी। उसने गुस्से में पिछली दोनों बार उसकी फ़ोन कॉल्स बंद कर दी थी। वो जानती थी सैम उसकी मोहब्बत में उस पर खफा होती थी, उसे उसकी हर वक्त फिकर जो बहुत रहती है। उसे यकीन था उसके आने पर वो रुक नहीं पाएगी, अपनी सारी नाराज़गी भूलकर वो भागी भागी उसके पास एयरपोर्ट चली आएगी। चाहे अभी लाख नाराज़गी जाहिर कर रही हो, मगर उसका ख्याल गलत निकला। सैम उससे वाकई बड़ी संजीदगी से खफा थी, इसलिए कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है लिज, वो आपकी खफगी से बोली। सैम प्लीज़ मुझसे खफा मत हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर खफा भी ना हूँ, तुम पापा को जानती हो ना लिज, तुम अभी तक वो बहुत सादा हो, तुम्हें पता नहीं वो क्या कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। वो सैम की बात पर चुप हो गई थी। वो ना बाप की हिमायत में कुछ कह पा रही थी ना मुखालफत में। अब पाकिस्तान आ ही चुकी हो तो कम अज़ कम पापा के घर पर तो मत रहो, मेरे घर आ जाओ, मैं ड्राइवर को भेजूँ क्या? सैम के लहजे की खफगी और नाराज़गी अब फिर उसकी फ़िक्र और मोहब्बत में बदल चुकी थी। मैं पापा के ड्राइवर के साथ तुम्हारे घर आ जाऊँगी सैम, मगर अभी नहीं,
आज दोपहर मुझे सिकंदर को पापा से मिलवाना है और फिर शाम में मुझे खुद सिकंदर की फैमिली से मिलने जाना है। मैं कल आ जाऊंगी। वो सैम की नाराज़गी से डर के मोहतात से अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। सैम नाराज़ नहीं हुई थी, बस उसका लहजा संजीदा था। ठीक है लिज, मैं तुमसे फिर बाद में बात करूंगी, बाय। सैम ने संजीदा ही अंदाज में फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन रखने के बाद वो संजीदगी से बैठ कर सोचने लगी थी कि आज सिकंदर की फैमिली से मिलने और सिकंदर को महमूद खालिद से मिलवाने के बाद वो सैम के घर ही चली जाए। कराची आने से खबर उसने सैम के घर पर ना रुकने के हवाले से बाप से क्या वादा किया था, सैम की आवाज़ सुनते ही उसे भूल गई थी। शायद उसे सैम के घर पर जाने से मना करना उसके पापा की कोई साजिश ही थी, उन दोनों बहनों को यहाँ पर एक दूसरे से दूर रखवाने के लिए, ताकि जब वो उसकी और सिकंदर की शादी में रुकावट डालने की कोशिश करें तब सैम उसकी मदद ना कर सके। वो कल सुबह ही सैम के पास चली जाएगी। उसने सोचा, साजिश, प्लानिंग, धोखा और झूठी मोहब्बत से उसे घुटन होने लगी थी। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।